गुड मॉर्निंग गाइस, सदर बाज़ार के एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। सदर बाज़ार जो मार्केट है ना, वो संडे वाले दिन लगती है। पटरी मार्केट की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल मार्केट तो पूरा वीक लगती है। अगर आपको अपने लिए चूड़े चाहिए है या फिर आपके घर में किसी की शादी है, आपको उसको दिलाना है, तो जो सदर बाज़ार है ना, वो एक परफेक्ट मार्केट है जहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। अब सदर बाज़ार कहाँ पड़ता है, कैसे आया जाए, तो सदर बाज़ार पड़ता है रेड लाइन पे। कनेक्टिविटी जो मेट्रो की है वो बहुत सही है। साथ ही में अगर आप बाईपास आना चाहते हो तो आप ISPT, जिसको हम कश्मीरी गेट भी बोलते हैं, आप वहां से रिक्शा लेके सदर बाजार तक आ सकते हो, जो आपको अवंतीबाई चौक पे छोड़ देगा और 10 रुपए लेगा। नेल पेंट वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पूरी की पूरी क्रेट भरी होती है। लिपस्टिक में आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं बल्क की बात करूँ तो आपको 300-300 रुपए में, 400-400 रुपए में एक दर्जन लिपस्टिक मिल जाएंगी। और नेल पेंट तो यहाँ पे 65 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और क्वालिटी टू क्वालिटी उनका प्राइस चेंज होता रहता है। अगर आप ये वाली लिपस्टिक्स देख रहे हो ना जो सामने है, ये सब आपको ना बल्क में 30 रुपीज ईच पड़ेंगी, जिनको आप अपनी शॉप पे ले जाके अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हो। 100 रुपीज की रेंज में छोटे बच्चों के काफी अच्छे बैग आए हुए थे, कलर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि आजकल ना छोटे बच्चों को भी स्लिंग बैग्स का बहुत शौक होता है। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए बैग ले सकते हो। काफी अच्छे कलर ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मटेरियल काफी बढ़िया था। ये वाला बैग मुझे बहुत पसंद आया। इस बार मैं सदर बाजार गई ना, बहुत सारी चीजें ऐसी यूनिक आई हुई थी और काफी बजट में थी, बजट फ्रेंडली चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये वाली जो बैंगल्स था, ये आपको 75 रुपीज का पड़ेगा। वैसे तो जो कंटेनर में आते हैं ना, सब 50 और 75 रुपीज का एक बॉक्स होता है। आप अपने सूट के हिसाब से, अपनी ड्रेस के हिसाब से यहाँ से चूड़ियाँ, कड़े, इस तरीके की चीज़ें मैच करा सकते हो। सदर बाज़ार में ना ढेर सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे। और सदर बाज़ार ना सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए ही फेमस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। टॉय मार्केट है, या फिर आपको अपने घर की सजावट के लिए चीज़ें लेनी है, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए, जो सामने वाले कड़े थे ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। और चूड़ों के साथ साथ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी लटकन मिल जाएंगी, जैसे ये वाली 200 रुपये की, उससे आगे वाली 350 रुपये की है। लटकन की साइज़ के ऊपर ना उनका प्राइस डिपेंड करता है। 500-600 रुपये के भी इनके पास कलीरे होते हैं। और जो ये सब आइटमें आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये आपको मिलेंगी मेन सदर बाज़ार वाली गली में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मेन सदर बाज़ार वाली गली कौन सी है। जब आप अवंतीबाई चौक से सीधा जाओगे ना उस रोड पे, तो आपको एक पुलिस चौकी का वो बना दिखाई देगा, वही आपको मेन सदर वाली गली है, मेन सदर बाज़ार वाली गली है। तो आपको ना चीज़ें काफ़ी सही यहाँ पे मिल जाएंगी, अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी। चूड़ों में काफ़ी वैरायटी होती है, 600-700-800 तक के भी चूड़े होते हैं। अगर आपके घर में भी शादी है और आप मैरिड हो, या फिर आपको खुद के लिए अपने लिए चूड़े खरीदने हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस है। रिंग आपको 50 रुपीज की ईच पड़ेगी। 50 रुपए की रेंज में काफी अच्छी पार्टी वेयर रिंग्स थी। मुझे तो रिंग्स यहाँ की काफी सही लगती है। अगर आपको भी अपने लिए शॉपिंग करनी है रिंग्स की, या फिर शॉप के लिए आपको शॉपिंग करनी है, तो आप मिक्स करके भी ले सकते हो, और पूरा पैक लेना है तो वो भी ले सकते हो 180 रुपीज की रेंज में। काफी सही रिंग्स थी। डिजाइन देखिए कितने सारे पार्टी वेयर चीजें आपको मिल जाएंगी। और जितने भी नए लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। हर एक वीडियो में बोलती हूँ, पर पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं यार। इतनी छोटी सी हेल्प करने को बोलती हूँ, इतनी भीड़ भाड़ वाली लोकेशन पे जा जाके वीडियोस हम बनाते हैं, आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज कर देना, आज तो कर देना, इतना बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। साथ ही में ये सामने वाले जो नेक पीस है ना, 70 और 80 रुपीज की रेंज में थे, काफी सस्ते थे। बहुत सारे लोग लेते भी हैं, बहुत सारे लोगों की शॉप पे बिकते भी हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जहाँ इस तरीके का क्राउड है, जो ये सब चीज़ें लेना पसंद करता है, तो प्लीज़ ज़रूर लेके जाना। बल्क में चीज़ें आपको और सस्ती पड़ेंगी, सिंगल पीस का प्राइस फिर भी डिफरेंट रहता है। अब देखिए आगे की तरफ आपको ना काफ़ी सही ऑप्शन नज़र आएंगे। इन वाले भैया के पास तो सब सिमिलर ऑप्शन थे। अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है ना, तो जो मेन सदर बाज़ार वाली गली मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे आपको इस तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे 350 रुपीज़ की रेंज में। यहाँ पे एक छोले भटूरे वाले भैया भी हैं, और सामने मटका गली शुरू होती है,
उसके जस्ट अपोजिट में थे इनकी शॉप और इन्होंने डिस्प्ले बहुत सुंदर लगा के रखा था। 350-400 रुपए की रेंज में ना आपको बहुत अट्रैक्टिव नेक पीस मिल जाएंगे। कुछ कुछ पीस इन्होंने 250 के भी लगा के रखे थे, जैसे ये सिल्वर वाला है ये आपको 250 रुपीज की रेंज में मिल जाएगा। इसके साइड वाला भी आपको 250 रुपीज की रेंज में मिल जाएगा। नीचे वाले 350 और 400 रुपीज की रेंज में थे। सदर बाजार में भी बहुत जरूरी है चीजों का पता होना, क्या चीज किस हिसाब से मिलेगी। अब ये वाले जो बैंगल्स है ये 50 रुपीज के हैं। 50 रुपीज में ना आपको काफी सही बैंगल्स मिलेंगे। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा करवा चौथ पे इस तरीके के कड़े बहुत ट्रेंड में थे। अगर आपको अब भी पसंद है और आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो। सदर बाजार की जो संडे मार्केट है ना उसमें बहुत भीड़ रहती है। वैसे तो पूरा हफ्ता यहाँ पे मार्केट लगती है और हमेशा भीड़ रहती है, बट जो फेमस है ना वो है यहाँ की स्ट्रीट मार्केट जो सिर्फ संडे को लगती है। सुबह लगना शुरू हो जाती है 7:30 बजे के करीबन और शाम तक लगती है। और यहाँ पे चोरी चकारी बहुत होती है, तो जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं प्लीज वो जरा थोड़ा ध्यान से संभल के। शादियों का सीजन है, हल्दी मेहंदी संगीत के फंक्शंस होंगे। अगर आपको अपने लिए हल्दी में पहनने के लिए ये सब चीजें चाहिए है ना, छोटी छोटी चीजें हैं बट ना बहुत जरूरी होती है ये फंक्शंस में। 100-100 रुपीस 150 रुपीस की रेंज में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन इनके पास बहुत सारे थे। अगर आपको खाली मांग टीका चाहिए आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। मांग टीका विद बैंगल चाहिए है 120-150 रुपए में मिल जाएंगे पूरा सेट आपको। ये आर्टिफिशियल चूड़े आपको ना 100 रुपीज की रेंज में मिलेंगे। कहीं कहीं पे ये 70 रुपीज में भी होते हैं, बट 100 रुपीज वालों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी थी इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप 100 रुपीज वाले लें। और जो ये पूरा कॉम्बो लेते हैं ना तो इसमें क्या होता है ना, दो कड़े होते हैं, दो इयररिंग्स होते हैं, एक मांग टीका और एक गले का नेक पीस होता है। बैंगल्स में आपको काफी सुंदर अट्रैक्टिव ऑप्शन देखने को मिलेंगे 200 रुपए की रेंज में। एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई पार्टी होती है, शादियों का सीजन होता है, तो हम लोग सिंपल सोबर चीजों को छोड़ के कुछ हैवी देखते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके ऊपर अच्छा लगे, आपकी ड्रेस से मैच करे और दिखने में भी अट्रैक्टिव हो। तो आप इस तरीके के ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। 200-200 रुपए में ये बैंगल्स आ जाएंगे, बहुत ही सस्ती थी। अगर आपको गोल्डन में भी कुछ चाहिए है ना तो आप गोल्डन में भी ट्राई कर सकते हो। ऑप्शंस ना यहाँ पे ढेर सारे हैं। कैसा ही भी क्राउड हो, कैसी भी सिटी हो जहाँ के लिए आप शॉपिंग करने आए हो, हर एक जगह के लिए यहाँ पे आइटम्स अवेलेबल हैं। सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे आपको ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। बच्चों की टॉय मार्केट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। ये वाला नेक पीस देखो कितना सुंदर लग रहा है, एडी में था, 350 रुपीज़ का था, और ये वाले आपको 250-300 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे 250 रुपये से शुरू हो जाते हैं, 2000-3000 रुपये तक जाते हैं। तो डिज़ाइन टू डिज़ाइन प्राइस भी वेरी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। मुझे तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सही लगी हैं, काफ़ी चीज़ें मुझे पसंद भी आती है, क्योंकि यहाँ पे ना सच में बहुत सारी चीज़ें तो इतनी सस्ती हैं कि आप सोचते हो यार यहाँ पे इतनी सस्ती तो हम लोकल मार्केट से क्यों लें, इससे अच्छा तो एक दिन जाके हम सदर बाज़ार से ही शॉपिंग कर लें। 60 रुपीज़ की रेंज में जो साड़ी वाली जो पिन होती है ना वो आपको मिल जाती है, जैसे ये वाली थी ये आपको 20 रुपीज़ की मिलेगी। 60 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा 6 का और 8 का पैक मिलता है, ये भी एक डिफरेंस रहता है। तो ज़रा जब भी आप कुछ भी लेना चीज़ों को चेक करके ले, क्वालिटी चेक करें, किसी का स्टोन तो नहीं निकला हुआ है, डिज़ाइन सबका सिमिलर है, पॉलिश तो नहीं उतरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ध्यान रखने वाली होती है, स्पेशली जब आप अपनी शॉप के लिए शॉपिंग कर रहे हो। 2 मिनट के लिए हमने मान लिया, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ खरीद के लाए हो और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल जाते हैं तो हम फिर भी सोच लेते हैं यार कोई बात नहीं जाने। क्लिप आपको यहाँ पे 50 और 60 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी। क्लिप इस तरीके की ना आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगी, जहाँ भी आपको पसंद आए आप वहीं से ले सकते हो। सदर बाज़ार की मेन गली में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। क्लक्चर जो था ना वो 75 रुपीज़ का था, अगर आप दो लोग हैं तो 150 का पड़ेगा, ये वाला आपको 40 रुपीज़ का पड़ेगा। ब्रेसलेट वगैरह आपको मिल जाएंगे, क्लक्चर्स तो यहाँ पे बहुत सस्ते मिलते हैं। अगर मैं बल्क की बात करूँ ना तो आपको 150-200 रुपये दर्जन वाली जो क्वालिटी है ना वो बहुत प्रीमियम होती है, बहुत सुंदर होती है, तो आप वो वाले ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। 30-30 रुपीज़ में आपको पार्टी वियर बीड्स वाले क्लक्चर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल जितनी भी फैंसी चीज़ें होती है ना, जितनी अच्छी क्वालिटी की आपको सदर बाज़ार में भी देखने को मिलेगी ना, कहीं पे भी आपको उतनी अच्छी क्वालिटी, इतने ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। यही एक मेन रीज़न है कि लोगों को यहाँ से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ से शॉपिंग करते होंगे
और अगर कोई मेरा ऐसा व्यूअर है ना जो रेगुलर यहाँ से शॉपिंग करता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बैंगल्स वगैरह आपको ना अंदर की तरफ, जैसे प्रताप मार्केट हो गई, मटका गली हो गई, गांधी मार्केट हो गई, उनमें ना आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप पहले गए हो ना प्रताप मार्केट, गांधी मार्केट में, तो आपको आइडिया भी होगा प्राइसिंग वगैरह का। जैसे ये सब बैंगल्स होते हैं ना जो बॉक्स वाली होती हैं, ये 7500 रुपीज़ इस तरीके से होती है। चूड़ियाँ भी इनमें अलग अलग होती है, किसी में 8 होती है, किसी में 6 होती है। और चूड़ों में आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगी। 100 रुपये से चूड़े हो जाते हैं शुरू, 500-600, ऊपर 1000-1200 तक आप कितने तक भी कस्टमाइज करा के बना सकते हो। आपको क्लिप वगैरह चाहिए 30 रुपीज़ में मिल जाएगी, 60 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा जिसमें 12 हेयर बैंड होते हैं। प्लास्टिक वाले आपको 30 रुपीज़ के 12 मिल जाएंगे। हेयर बैंड्स में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, 30 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, 120 रुपये तक इनकी प्राइस रेंज जाती है। तो आप अपने हिसाब से, क्राउड के हिसाब से यहाँ से शॉपिंग कर सकती हो। अगर आपको खरीदने हैं टेडी बियर वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे मिल जाएंगे। इस तरीके के फैंसी हेयर बैंड भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, ये आपको पड़ेंगे पूरा का पूरा पैक 150 रुपीज़ का। 150 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, आप इतने आराम से कमा सकती हो। एडी की रिंग ना हर किसी को पसंद होती है, क्योंकि उनका जो लुक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है पहनने के बाद, और दिखने में भी बहुत रॉयल सी लगती है। तो हर एक पाउच के पीछे उनका प्राइस है, कोई 90 रुपीज़ की है, कोई 150 रुपीज़ की है, कोई 200 रुपीज़ की है। इयररिंग्स वगैरह आपको 90-90 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो आप अपने लिए एडी की भी शॉपिंग कर सकते हो, और बल्क में जब आप चीज़ें लोगे ना तो आपको बहुत सस्ती मिलेंगी। ये वाली रिंग देखिए कितनी सुंदर थी, इसमें ब्लू स्टोन में भी रिंग है, ग्रीन स्टोन में भी है, ट्रांसपेरेंट में भी है। और प्राइस की बात करूं तो 200 रुपये इसका प्राइस रहेगा। हर एक पाउच के पीछे उनका प्राइस मेंशन है, जैसे ये वाली भी 200 रुपये की थी, क्योंकि सबका सिमिलर डिज़ाइन था, सिर्फ जो स्टोन का कलर था ना वो थोड़ा अलग था। इनके पास ना कॉकटेल रिंग का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। साथ ही में 180 रुपीज़ वाली रिंग में आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 180 में भी इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। ये वाली भी जो थी ना आपको 180 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएगी। 200 वाली रिंग की अगर मैं बात करूँ तो 200 वाली रिंग भी थी। ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया, 150 रुपीज़ का ब्रेसलेट था, शाइनिंग भी प्रॉपर थी, फिनिशिंग बहुत सुंदर थी स्टोन की। अगर आपको भी अपने लिए रिंग्स लेनी है ना तो आप यहाँ से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, आपको काफ़ी पसंद आएगी। हर एक मार्केट के मुकाबले में यहाँ पे चीज़ें सस्ती होती है। अब बात करते हैं कुछ हैवी रिंग्स की जो 200-200 रुपये की थी। तो जो अभी आपने देखी वो 200 वाली थी। 50 और 75 रुपीज़ की रेंज में ना आपको अलग अलग बैंगल्स के बॉक्स मिलेंगे। ये वाली जो क्रेट थी ना, इसमें सबका प्राइस अलग अलग था, कोई 60 रुपीज़ के थे, कोई 75 का था, कोई 100 रुपीज़ का था। जैसे ये वाला आपको 60 रुपीज़ का मिल जाएगा, ये भी 60 रुपीज़ का मिल जाएगा, कुछ कुछ पीस 100 रुपीज़ के थे। तो वो डिपेंड भी कर रहा था कि नंबर ऑफ बैंगल्स उस में कितने हैं। ऑक्सीडाइज में आपको सब 100-100 रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था ना यहाँ का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको चाहिए है ना शॉप के लिए शॉपिंग, तो आप कहीं भी मत जाओ, आप सिर्फ सीधा आओ सदर बाज़ार में। एक से बढ़ के एक वैरायटी थी, क्वालिटी प्रोडक्ट था, और प्राइस रेंज बहुत सुंदर थी। ये वाली 150 रुपीज़ की बोली भैया ने, जो मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, क्योंकि ये नॉर्मली 100-100 रुपये में मिल जाती है, बट अगर आप इनसे बार्गेनिंग करोगे तो ये आपको 100 रुपये में भी दे देंगे। इसमें भी कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे थे। वैसे तो इनके पास बैंगल्स बहुत सारी थी, अगर किसी को कुछ कस्टमाइज़ भी कराना होता है ना, जैसे अपने लहंगे से मैचिंग चूड़ा कस्टमाइज़ कराना है, तो वो ये सब कस्टमाइज़ करके भी देते हैं। कलीरे इनके पास बहुत सुंदर होते हैं, कलीरे आप अगर आपने अपने लिए ख़रीदने हैं ना, और आप सोच रहे हो कि मैं तो बढ़िया कलीरे लूँगा या लूँगी, तो आप अपने लिए लीजिए कलीरे सिर्फ़ और सिर्फ सदर बाज़ार से। जो क्वालिटी आपको सदर बाज़ार में नज़र आएगी ना ज्वेलरी की, वो आपको कहीं पे भी नहीं नज़र आएगी। प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा सस्ती होगी, 250-300 रुपये की रेंज में बहुत ही सुंदर आपको पार्टी वेयर नेक पीस मिल जाते हैं। सबका प्राइस अलग था, कोई 200 रुपये का था, कोई 300 रुपये का था। जैसे ये सब है, ये आपको 350-350 रुपये की रेंज में मिलेंगे। कुछ कुछ ऑप्शंस थे जो 400 रुपये की रेंज में थे, पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी के थे। नॉर्मल जो रेंज थी ना वो 250 रुपये थी। तो अब आपको आइडिया भी लग गया होगा कि अगर आप सदर बाज़ार से शॉपिंग करने आते हो तो आपको क्या चीज़ किस रेट पे मिलेगी। बहुत सस्ती चीज़ों की बात करूँ
तो ये वाले ऑप्शन ले लो 50-50 रुपीस की रेंज में, चाहे सिंगल पीस लो चाहे बल्क में लो, आपको ना ये तो सेम प्राइस पे नजर आएंगे। बाहर मेन रोड की तरफ ये कहीं कहीं पे 80 रुपीस के होते हैं, कहीं कहीं पे 90 रुपीस के होते हैं। 70-70 रुपीस में आपको चोकर मिल जाते हैं जिसमें दो इयररिंग्स होते हैं। 60 रुपीस में आपको ये वाले चोकर मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल प्लेन थे स्टोन में। तो ओवरऑल चीजें आपको यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो सामान लेने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि वो एक दो बार आए, पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक दिन में पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक गली में ना कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हर एक मार्केट की जो गली है, जैसे गांधी मार्केट में जाओगे कुछ अलग देखने को मिलेगा, प्रताप में जाओगे कुछ और अलग देखने को मिलेगा। इसलिए सजेशन दे रही हूँ, एक बार ज़रूर मान के देखना।